पहले हम लोग कुछ मोर के पंख ले लेंगे और ऐसे छोटा छोटा काट लेंगे, जैसे दो तीन पार्ट करके हम लोग काट लेंगे छोटा छोटा करके। और एक जो है उसमें गत्ता काट के पंख के रूप बना लेंगे एक, उसी पे जो छोटा छोटा पीस काट के रख दिए थे उसको गोंद से चिपका देंगे, एक से दूसरे के चिपका देंगे और पंख की जो आकार रहे उसकी लंबाई चिपका देंगे काट के, और पूरा चिपकाने के बाद दो एक दो घंटा हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम लोग दूसरे पार्ट में पलट के फिर एक दूसरे को चिपका देंगे साइड में से लेके, और उसको उसके बाद फिर सिलाई कर देंगे ताकि इधर से उधर हिल ना पाए। धागा से बढ़िया मजबूती धागा से सिल देंगे। ताकि एक भी इधर उधर हिल ना पाए। बढ़िया खूबसूरती से इसको सिल देंगे चारों के ओर। एक भी छूट नहीं पाएगा ताकि इधर हिल ना पाए। इसको बढ़िया अच्छे ढंग से इसको चिपका देंगे। गोंद से पहले चिपकाएंगे उसके बाद फिर सील देंगे धागा से, सुई धागा से खूबसूरती के साथ है। एक एक चुन चुन के इसको सिलना होगा, नहीं तो ये इधर उधर हो जाएगा। बढ़िया फर्स्ट क्लास सिलेंगे सुई धागा से, और सुई धागा से सिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको साइड में से ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा लंबा ना हो, उसी को भी ध्यान देंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक फट्टी ले लेंगे, बांस की फट्टी लेके उसको एक वो कर देंगे डंडा बेना की जो है पकड़ने वाला जो हैंड, उसको हैंडल बना लेंगे। हैंडल बना के उसी की लंबाई से काट लेंगे ताकि ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो, अपने हिसाब से काटेंगे। काट के उसी में चिपका देंगे बढ़िया सुई धागा से। पहले गोंद से चिपकाएंगे उसके बाद सुई धागा से उसको बांध देंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो, चिपका देंगे। चिपका के सुई धागा से हम लोग सिल देंगे बढ़िया अच्छे ढंग से। ये हैंडल अपने हिसाब से पकड़ने के हिसाब से उसको रखेंगे, ना ज़्यादा छोटा ना बड़ा, अपने हिसाब से। गैपिंग भी ना हो इसलिए इसमें एक रख भी देंगे। उसके बाद सिलने के बाद फिर इसमें जो पंख की डंडी दिखाई दे रही इसको देखे ना, इसलिए जो पंख की सामने वाला जो पलक था उस पालक जो काट के रखा था उसको ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, गोंद पहले लगा देंगे। गोंद लगाने के बाद फिर इस पंख को चिपका देंगे। गोंद लगाने के बाद बढ़िया अच्छे ढंग से फेविकोल
फेविकॉल से हम लोग पहले वो करके लगा के फिर पंख को ऊपर से चिपका देंगे। बढ़िया, अपने हिसाब से बढ़िया फर्स्ट क्लास चिपका देंगे। एक से साइड में से भी, और एक भी वेस्ट नहीं करेंगे इसका, सब लगा देंगे अच्छे ढंग से ताकि खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। बहुत अच्छा बनता है ये पंखा, मोर के पंख की जो पंखा बेना, जिसको अपनी देहाती भाषा में बेना कहा जाते है, इस पंख को बढ़िया फर्स्ट क्लास देखो खूबसूरती से इसको चिपका दिया जाएगा एक से एक दूसरे के पास साइड में से चिपका के, बढ़िया फर्स्ट क्लास बेना लुक अच्छे ढंग से बना लेंगे बेना। अब तैयार हो गया बेना, हम लोग अभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे गर्मी में, और इसके बहुत उपकार मिलेगा, उपकार मिलेगा इस बेना से। इसके हवा बहुत ठंडी और अच्छी है और नुकसानदायक भी नहीं है, बहुत अच्छा।